गाइस, रात के 3 बज रहे हैं गाइस, और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ रात के 3 बजे। वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज शिवम एंड यू आर वाचिंग artist.io। आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है क्योंकि बैकग्राउंड बदला हुआ है, बैकग्राउंड अलग होने वाला है। और इस बार हम लोग कुछ अलग करने वाले हैं, यानी कि डिजिटल पेंटिंग इन फोटोशॉप हर बार की तरह। सो विदाउट फर्दर अडू वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां पर है डेल का लैपटॉप और आधा इंच का फोटोशॉप का आइकन। इट मीन्स हमारा फोटोशॉप खुल चुका है। मैं जल्दी से यहाँ पर एक न्यू फाइल ओपन कर लेता हूँ ताकि हमें वर्क बनाना भी तो है। ये जो आउटपुट दिख रहा है आपको 4:5 के रेशियो में है ताकि इंस्टाग्राम पे फुल्ली अपलोड हो जाए, क्योंकि कट जाता है तो बहुत ही अजीब लगता है। तो सबसे पहला चीज़ मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, मैंने यहाँ स्केच रेडी करके रखा है। ये हमारा स्केच है, नहीं दिख रहा है तो जूम करके दिखा देता हूँ। ये वाला स्केच है जिसको हम लोग डिजिटल पेंट करने वाले हैं इस पर, जिसमें बहुत हालत खराब होने वाला है मेरा। सही में बहुत सही में। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा इसका बॉडी कलर। तो फटाफट मैं इसका बॉडी कलर कर लेता हूँ। ये हुआ हमारा पूरा बॉडी का कलर कंप्लीट। ये इसको बेसिक कलर कह सकते हैं, यानी फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप आता है हमारा फेस को कंप्लीट करना, मतलब जो स्केच है उसके फेस को कंप्लीट करना। तो उसके लिए थोड़ा सा डल कलर, तो फेस के शेड को कलर होने के बाद सबसे पहला चीज़ है इसके फेस को कंप्लीट करना, और जल्दी जल्दी मैं इसे कंप्लीट कर लेता हूँ। तो ये रहा हमारा फेस जो कि पूरा कंप्लीट हो चुका है। आईज बना दी मैंने, इसके लिए दो लेयर्स लगी थी इस वाले के लिए। पहला लेयर जो ये हो गया और पीछे वाइट जो गया वो। नाक में कुछ करना नहीं पड़ा उतना, बस हल्का सा शेड देना पड़ा। तो देखा जाए तो 100% पे ये ठीक लग रहा है, इसमें कुछ अपना ज़्यादा करना नहीं है। तो अब हमारा अगला स्टेप है इसके बाल को कलर करना, और सबसे पहले हम लोग वही करने वाले हैं। इस तरह से हमारा ये शेड हो चुका है। इसमें मैं चाहता हूँ कि ये वाले एरिया कुछ रिफ्लेक्टेड पार्ट दे और कुछ शेड्स इधर से आए, तो उसको भी मैं फटाफट दे देता हूँ। तो जैसा आप देख सकते हैं, ये रहा हेयर शेड। लेयर ऑफ करके दिखाता हूँ, जो साइड वाला है वो हेयर शेड है, जो कुछ शेड्स इधर से आ रही हैं साइड से, और ये हेयर टेक्स्चर और ये हाईलाइट का शेड है, जिसमें मैं अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। नहीं तो अगर ये कंप्लीट होगा तो मैं चाहता हूँ कि इसको ऊपर से ऐसा लाइट देने का, ऊपर से लाइट सोर्स होगा इसका, इसलिए ये हाईलाइट उसी के लिए है। तो ये हो गया। तो इसके बॉडी को जिस तरह से मैंने फेस कंप्लीट किया है, उसी तरह मैं इसके नेक को, इसके हाथ को इसी तरह से कंप्लीट करूँगा। तो फटाफट मैं इसे डायरेक्ट आपको कंप्लीट करके दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि वीडियो भी लंबी हो जाए और आप लोग स्किप मार दें और मेरा वॉच टाइम कट जाए। जी हाँ, वॉच टाइम कट जाए। सो फाइनली हमारा ये कंप्लीट हो गया पूरा बॉडी जो है, जैसे ये पेट हो गया, इसका शेड और इसके हाथ का शेड कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर कुछ ऑर्नामेंट्स मैंने पहना दिए हैं, और ये इसके हाथ का यहाँ पर शेड, और ये फेस वाला तो कंप्लीट हो ही गया था।
एक यहाँ नीचे इसके पैर को कंप्लीट किया मैंने। तो टोटल देखा जाए तो जो बॉडी पार्ट्स थे वो हो गई हैं। अब हमारे पास जो बचा है वो है कपड़े को कलर करना। तो जैसा आप देख सकते हैं ये हमारा बेसिक कलर है। नीचे वाला ये वाला जो एरिया है यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं इसका जो बेसिक है बेसिक कलर टोन जो डाला था वो है सो अभी तक है। असल में ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट रहेगा क्योंकि इसके आर पार दिख सकता है। अब बस जो काम बाकी है वो है हमारा ये इस कैरेक्टर या फिर जो बोला जाए इस बॉडी पार्ट या कपड़े पर शेड देना, जिसके लिए यहाँ कुछ कुछ स्ट्रोक्स मैंने पहले से दे रखा था। तो जैसा आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये जो ऊपर वाला एरिया, इस पर कुछ टेक्सचर्स मैंने दिए हैं ताकि देखने में अच्छा लगे और जो शेड ताकि थोड़ा 3D लुक दे। और यहाँ पर भी कुछ टेक्सचर हैं, अभी इन पे काम करना बाकी है तो थोड़ा उसको देख लूँगा मैं। ये सब अभी काम करना, ये सबको ब्लेंड किया है मैंने ब्लेंडर से, तो अगर दूर से देखा जाए तो हाँ थोड़ा सही लगता है देखने में। अभी इसमें जो चीज़ करना बाकी है वो है मेन जो सब्जेक्ट हमारा ये जो सितारा है इसको कंप्लीट करना। बहुत मेहनत के बाद आखिर ये बना है। और जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सितारा है उसका स्ट्रिंग्स दिखाया है मैंने यहाँ पर वाइट बहुत ही फाइन लाइन से, और यहाँ पर कुछ शॉर्टकट्स को यूज़ किया था ताकि शिफ्ट दबा के जो स्ट्रेट लाइन खींचा जाता है क्योंकि हाथ से ये होना पॉसिबल नहीं है। और ये रिफ्लेक्शन और इस साइड से भी रिफ्लेक्शन बस, और यहाँ पे कुछ रिफ्लेक्शन ताकि देखने में अच्छा लगे। तो 100% पे अगर देखा जाए तो कंप्लीट हो गया है। बस जो मेन काम बाकी है वो है सामने में दिख रहा आपको ये ऑर्नामेंट्स, यहाँ पे जो ज्वेलरी है उसको कंप्लीट करना है और इसके कान में का उसको कंप्लीट करना है। तो बस उसके बाद हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, उसको फिर हम लोग बैकग्राउंड में सेट कर सकते हैं। तो इससे ज़्यादा इसमें क्योंकि अभी ऑर्नामेंट्स बनाऊंगा तो उसमें समय लगने वाला है, तो उसको स्किप करके मैं आपको डायरेक्ट अपना वर्क दिखाता हूँ। सो वेलकम बैक व्यूअर्स, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मुझे पता है कि वीडियो मैंने बहुत ज़्यादा स्किप किया है, मतलब जोरों से ज़्यादा स्किप मार दिया मैंने, क्योंकि उसके उसके पीछे रीज़न है, उसके पीछे जो कारण है वो मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह से आप लोग को वीडियो वीडियो को ट्रीट करते हैं आप लोग, जैसे YouTube स्टूडियो से मुझे कुछ कुछ पता मिला है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जिस तरह से आप लोग वीडियो को ट्रीट करते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो को मैं ही इतना स्किप कर दूँ कि आप लोग को स्किप करने की ज़रूरत ही ना पड़े और मुझे फुल वॉच टाइम मिले, और जिसकी मुझे सख्त से सख्त ज़रूरत है। तो अगर अभी भी आपने वीडियो स्किप किया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि हाँ वीडियो स्किप की मैंने, तो मैं कोशिश करूंगा अगली जो वीडियो आएगी उसको और छोटा बनाने का। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज का जो वर्क है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये वाला वर्क फुल्ली डिजिटली फोटोशॉप में बनाया गया है और इसमें जो जो चीज़ का ध्यान रखना पड़ा मुझे तो उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले चीज़ की जो बैकग्राउंड के साथ इसको इसका कलर कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ा, और जो लाइट का रे ऊपर से आ रहा है पिछली वीडियो में, यानी जो मेरी पिछली वीडियो थी उसमें मैंने दिखाया था कि कैसे लाइट का रे बना सकते हैं, तो आई बटन में वो मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं अगर इंटरेस्ट है तो, नहीं तो कोई नहीं, ठीक है। तो ये वाला वर्क है और इसमें बस वही कलर का थोड़ा सा मोड़ा चेंज किया गया है, और जो फाइनल फोटो आपको दिख रहा है वो हल्का सा एडिटेड है जिसमें थोड़ा सा चेंज लाया गया। तो होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा, कैसा लगा ये वर्क कमेंट करके बताइए, और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जाके फॉलो करिए, क्योंकि 500 होने वाले हैं और पहली बार 500 हो रहा है तो इतना इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ये चीज़ सही है, बहुत लोग का होता है ऐसा। और मेन चीज़ की अगर आप इस फोटो को डाउनलोड करना चाहते हैं क्योंकि ये 4:5 के रेशियो में है तो वॉलपेपर लगाने में भी अच्छा लगेगा, अगर आपको चाहिए तो पिंटरेस्ट की लिंक दी हुई है आप नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताइए, और कुछ फीडबैक्स है या कुछ अगली डिमांड है आपकी जिसमें आप अगली वीडियोस में क्या चाहते हैं तो यू आर फ्री टू कमेंट बिलो। सो गो एंड कमेंट योर इमेजिनेशन, योर फीडबैक्स, योर डिमांड्स, एनीथिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।
Peace out.